नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देहरादून में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार के बनाए गए कानून दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं और दूसरे राज्य इसे अपना भी रहे हैं। ये कानून धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत कई और कानून है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लेकर आएंगे। तो वही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। ये यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है। ये कहना था सीएम पुष्कर सिंह धामी का। देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं, और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का काम। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से भी दुष्यंत गौतम मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के भी उनकी जो समीक्षा होगी, तैयारी होगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, इसकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी साझा करी है। दुष्यंत गौतम कुमाऊं पहुंच गए हैं जहां संगठन को लेकर प्रचारात्मक बैठक होनी है। वो जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों को परखने का काम करेंगे। हमारे प्रभारी जी का आज कुमाऊं का प्रवास है और बागेश्वर में जाने वाले हैं, जहां हमारे संगठन नया संगठन संगठन परिचयात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ साथ बागेश्वर के अंदर कार्यक्रम से मिलना और वहां के विषय को लेकर के आगामी दिनों में वहां बाई इलेक्शन होना है, तो सब प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय हो सर्वसम्मत से होगा। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य में खाली पड़े 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद और दायित्व बंटवारे को लेकर दुष्यंत गौतम ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों के जो पद हैं, पदों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जाएगी। तो वहीं इस दौरान उन्होंने बहुत सी बातें अन्य भी साझा करी हैं, उपचुनाव को लेकर के भी बोलते नजर आए हैं। जहां तक राज्य के दायित्वधारियों का सवाल है तो दायित्व बंटवारे की सूची लगभग फाइनल हो गई है, जल्द ही उसे जारी भी किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट करते वीडियो वायरल होने पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी संगठन और सरकार पूरी तरह से गंभीर है, इस मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोष जिसका भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सृष्टि टिकी हुई है, कब होगा क्या होगा, पूरी सृष्टि इसी आस पे लगी हुई है और उसी आस पे हम भी काम कर रहे हैं। यह आपने सही बताया है कि 3 पद खाली हैं, एक कॉलेजी उनके डेथ के कारण खाली हुआ है, उस पर भी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है, इस पर बैठ कर शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका बाई इलेक्शन भी होगा 6 महीने के अंदर, जल्दी उसका निर्णय कराया जाएगा और मुझे लगता है कि उसमें भी एक अच्छा कदम उठाएंगे। जहाँ तक दायित्वधारी की बात है, दायित्वधारी को आप भी बहुत चलाते रहे हैं, मैं भी बहुत जवाब देता रहा हूँ लगातार आप लोगों को, लेकिन फाइनल सा हो चुका है, बस अब नेतृत्व की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाएगी हम निकाल देंगे। रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की आज जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, आज देश सुरक्षित हाथों में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनका लाभ आज गरीब मजदूर और किसानों के साथ साथ आम जनता को भी मिल रहा है। देखिए, 2024 का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश बहुत तेज़ी से आगे इन 9 सालों में बढ़ा है और तेज़ी से देश आगे बढ़े उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बने, इसी को लेकर के मैंने आज प्रेस से बातचीत किया है। अब देखिए, कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इकबालपुर शुगर मिल किसके समय में बंद हुई थी और किसके समय में खुली थी। तो वो केवल और केवल चुनाव की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी समाधान की राजनीति करेगी। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र के राजेंद्र सिंह और बरखा रानी से कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। बसपा नेता राजेंद्र सिंह चौधरी, कांग्रेस नेता बरखा रानी ने भी भाजपा का दामन इस दौरान थामा है। वहीं बागेश्वर विधानसभा में जल्द उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर त्वरा त्वरा के समीकरण भी बनने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर बीजेपी समर्थक हरीश सोनी का कहना है कि बीजेपी का चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, नेता नहीं। पिछली बार कार्यकर्ताओं के भरोसे ही बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार पिछले चुनावों की तुलना में 16,000 वोटों से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी। तो वहीं विपक्षी दलों का समीकरण बताते हुए रमेश कृषक का कहना रहा कि बागेश्वर उपचुनाव में अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बसंत कुमार खड़े नहीं होते हैं तो कांग्रेस बागेश्वर के उपचुनाव में बीजेपी को धूल चटा सकती है। हमारे मंत्री पूर्व विधायक चंदन रामदास जी के देहावसान के बाद, उनकी मृत्यु के बाद एक पद रिक्त हुआ है, सीट रिक्त हुई है और नियमानुसार इसमें चुनाव होगा, जल्दी चुनाव होगा। अभी अगर हम राजनीतिक अध्ययन के आधार पर कहें तो जितनी जल्दी ये चुनाव कराएंगे उतना ही सत्ताधारी दल के लिए लाभकारी होगा। अब सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, सरकार में वो बैठी है, अगर वो अपना लाभ चाहेगी तो जल्दी से जल्दी चुनाव करवा देगी। बीजेपी भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी, क्योंकि हमारे चंदन राम दास जी पिछले चुनाव में बीमार थे, कार्यकर्ताओं ने ही उनको जिताया, आज भी बीजेपी को कार्यकर्ता ही जिताते हैं। तो ये लगता है कि इस बार बीजेपी 15,000 वोटों से विजयी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने वाले कर्नाटक चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे विधायक प्रत्याशी पर उत्तराखंड में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने हो गई। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ऐसे विषय को लेकर आती है जिसकी कोई प्रामाणिकता होती ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा विषय है तो उन्हें न्यायालय जाने का अधिकार है। इस मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष किया। गरिमा दसौनी ने कहा राहुल गांधी पर भी वही मुकदमा होना चाहिए था जहां उन्होंने बयान दिया था। देखिए, कांग्रेस मैंने कहा जब विषय नहीं होते हैं तो ऐसे विषयों को लेकर आती है जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं होती है। आखिरकार ऐसे कोई विषय है तो ठीक है, न्यायालय में जाने का सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन मैं इस पूरी बात का खंडन करता हूँ। विपक्ष का बहुत ज्यादा बेतुका बयान है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने बयान कहीं दिया था और उनके ऊपर FIR जो है गुजरात के अंदर सूरत में हुई। तो पहले तो महेंद्र भट्ट उस पर प्रकाश डाले कि बयान अगर राहुल गांधी का दक्षिण भारत में था या किसी और देश के कोने में था तो फिर मुकदमा सूरत में क्यों लिखाया गया। तो ये कोई बात नहीं हुई, FIR कहीं भी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध जताया है और उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात कहते हुए। एक दलित अध्यक्ष को मरवाने की, उसकी धर्मपत्नी को मरवाने की, चिंतापुर के विधानसभा प्रत्याशी इनके जो हैं मणिकांत राठौर, उन्होंने जो साजिश और षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ अगर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर यहाँ अगर मुकदमा लिखाया जा रहा है तो पेट में मरोड़ महेंद्र भट्ट के क्यों उठ रहे हैं। महेंद्र भट्ट को तो बताना चाहिए कि आखिर सारे अपराधियों को, सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भाजपा क्यों बनती जा रही है। भले ही भारत के अंदर ट्रिपल तलाक को लेकर कानून क्यों ही न बन गया हो, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले कम होने की वजह बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और ट्रिपल तलाक का मामला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आया है, जहां शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दलदल से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और केंद्र सरकार ने बिल पास कर कानून तो पारित कर दिया है, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले इसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से एक और ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है, जहां शादी के 12 साल बाद महिला को तलाक देकर घर से भगा दिया गया। पीड़ित अंजुम का कहना है कि उसके पति दानिश द्वारा दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी और मांग ना पूरी होने पर उसके साथ मारपीट करना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया था और अब अपनी बहन की शादी करनी है तो उसकी शादी के लिए भी दहेज की मांग उसी के घर वालों से की जा रही है, जिसका उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही उसके घर वालों को भी बुलाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद 3 तलाक देकर अंजुम को घर से धक्के देकर भगा दिया। लगातार वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी पे भी उन्होंने मांग करी थी पल्सर गाड़ी की, तो वो तो मेरे घर वालों ने दे दी थी, पर अब लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि घर वालों से पैसे लाओ। और नंद सास देवर सब मारते हैं मुझे। अब भी पीछे 5 तारीख को मुझे कमरे में बंद करके मारा है उन लोगों ने सबने। और मैंने अपने घर वालों को बुलाया, दहेज की मांग की, तो मैंने अपने नंद के लिए शादी के लिए दहेज की मांग की, तो मैंने अपने भाई को बुलाया, भाई से भी हाथापाई करी और उन्हें भी घर से निकाल कर और मुझे भी 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाला है और बच्चों को भी निकाला है। 5 तारीख को हमारी बेटी की लड़ाई हुई इसके घर वालों से। ये घर पर गई तो दवाई लेकर उसके बाद में इसकी सास ने कुछ कहा और इसने कुछ कहा, इस पीछे इसके मियाँ ने मारा पीटा इसे, फिर देवर उन्होंने नंद ने साथ सुसर सब इसको चपट गया। फिर हमें पता चला, हम गए फिर घर पर, इस वजह से आ गया। फिर ये हुई कि लड़ाई झगड़े ऐसे हो रहे हैं, मांग करी जा रही है पैसों की लड़की के जहेज के लिए, उनके अपनी बेटी के लिए। तो ये फिर हमने समझाया बुझाया इसकी जो उन्होंने फिर लड़के को हमें उससे भी बदतमीजी करी है उनका। उसके बाद में लड़का गया उससे के साथ, इसके देवरों ने इन्होंने सबने मारपीट करी, फिर इसको बाहर निकाला लड़ाई झगड़े के बाद। और फिर बाहर निकाल कर इसको गया हमने तुझे तलाक दी हमारे सामने और कह दिया जा तू जा। बहरहाल पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अंजुम को न्याय मिल पाता है या नहीं, लेकिन पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी होगी ताकि किसी पीड़िता के साथ अन्याय ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देहरादून में आज से इंजीनियर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ये इंजीनियर पुरानी पेंशन योजना समेत कई लंबित मांगों को पूरा ना होने से नाराज हैं। ये धरना लोक निर्माण विभाग और सिंचाई मुख्यालय के बाहर रोजाना 5 दिनों तक चलेगा। तो वहीं दूसरे जिलों में 12 मई से धरना लगातार चलेगा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम खुलने के बाद दोनों धामों की रौनक लौट आई है। इन यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते पूजा पाठ की दुकानों में खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि अब दोनों धामों में 14 दिनों के अंतराल में लगभग 183,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इस बार गंगोत्री धाम में आए यात्री इस सुंदर घाटी का किस तरह दीदार कर रहे हैं, उन्हीं यात्रियों से सुने। बड़ा आनंद आया गंगोत्री धाम में आकर के, यहाँ की सुविधा बड़ी अच्छी, वातावरण बड़ा अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है, धूप निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जो भी यहाँ पर आए सबसे मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जो यहाँ सोसाइटी ने सोचा बहुत ही, अगर फंडिंग भी आएगा तो और इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस रूप से। हमें बहुत दुख लग रहा है हमारे हाथ से बांध सकते हैं और यहाँ सभी लोग बहुत प्यार से लगा रहे हैं। यहाँ मैं उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया, यमुनोत्री का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ, अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर 100 आसन है प्लेसेस, इधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही, हम बहुत प्रसन्न हो गया। थैंक यू। यात्रा बहुत मुक्ति का है, इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के भी
छोड़ के जाने का भी मन नहीं है, इधर ही रहना, इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है, अच्छा दाम है।